गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, रांची भागने की फिराक में था आरोपी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस में कल्याणमय गांगुली गिरफ्तार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके। लखनऊ में बारिश से दीवार गिरी, नौ की मौत, दीवार के सहारे झोपड़ी बनाकर रह रहे थे मजदूर, सोते वक्त हुआ हादसा। इमरान खान बोले, पाकिस्तान में आटा 100 रुपए लीटर, टोलर्स ने पूछा बोतल में आटा खरीदते हो क्या। स्वीडन के प्रधानमंत्री एंडरसन के पद से दिया इस्तीफा, नए सरकार बनने तक कार्यवाहक बनी रहेगी पीएम। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ में कैंट के दिलकुशा में भारी बारिश से दीवार गिरने से दीवार के पास सो रहे 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। साथ ही हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि आर्मी कैंट के पास हुए इस हादसे को रेस्क्यू करने पुलिस के साथ आर्मी के जवान भी पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री खुद इस हादसे पर निगाह बनाए हुए हैं और जिला अधिकारी को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 4 लाख की मदद और घायलों को बेहतर इलाज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर में 2 बहनों से रेप के बाद हत्या के मामले में परिजनों ने दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया। परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद शवों को दफनाया। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें पीड़ित के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक मदद, साथ ही पक्का आवास और कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर एक महीने के अंदर दोषियों को सजा दिलाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर सीतापुर से है, जहां विद्युत समाधान सप्ताह शिविर में पहुंचकर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने शिविर का निरीक्षण किया। साथ ही समाधान पंजिका में उपभोक्ताओं की समस्याओं के बारे में फोन पर फीडबैक भी लिया, जिसके बाद उपभोक्ताओं की संतुष्टि देखकर उन्होंने अधिशासी अभियंता और SDO टाउन की प्रशंसा की और अभियंता दिवस पर चल तथा गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी। इस मूसलाधार बारिश में लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा करके हम लखनऊ से यहाँ आए हैं, और मात्र ये देखने के लिए कि हमारा जो विद्युत समाधान सप्ताह चल रहा है उसमें कैसा कार्य हमारे उपकेंद्रों पे, सब स्टेशन पे हो रहा है। इस कड़ी में मैं अभी वर्तमान में आप लोगों के साथ सिधौली, सीतापुर जिले के सिधौली सब स्टेशन पे हम सब खड़े हैं, और आपने देखा कि रोज आने वाली जो समस्याएं हमारे उपभोक्ताओं की हैं, उनको हमारे अधिकारी, हमारा स्टाफ बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी तत्परता के साथ उनका कार्य कर रहा है। प्रतापगढ़ में मानव संसाधन पॉलिसी लागू न होने से आक्रोशित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों का प्रतापगढ़ के विकास भवन में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और प्रदेशव्यापी हड़ताल 4थे दिन भी जारी रहा। दरअसल कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों का 4 दिन से धरना चल रहा है, जिसमें पहले किए गए कार्य बहिष्कार पर मिशन मुख्यालय की ओर से संज्ञान लेकर विधानसभा चुनाव पंचायत मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। विपिन कुमार मिश्रा है, मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ। हम लोग अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। जो हमारी पहली मांग है नियमितीकरण, जिससे हमारा शोषण बंद हो, क्योंकि आउटसोर्सिंग में इतना शोषण होता है, हर दिन हर समय इतना मानसिक प्रेशर बनाया जाता है काम करने के लिए, अपने विभाग के काम को छुड़वा कर दूसरे विभाग को काम उनसे ही करवाया जाता है। दूसरा HR पॉलिसी, जिसमें 7% कहा गया था कि हर साल आप लोगों को वेतन वृद्धि की जाएगी, लेकिन आज तक 7% क्या 0.7% अभी आज तक कभी किसी का नहीं बढ़ा। अभी हमको लोगों को बताया गया था, जो स्टार्टिंग में हम लोग जब आए थे तो उसमें यह था सेल्फ लर्निंग भत्ता, 2 बच्चों की पढ़ाई का पैसा,
लैपटॉप भत्ता, मोबाइल का, इंटरनेट का, ये सब भत्ते आपको मिलेंगे, लेकिन वही भत्ते हमारे खत्म कर दिए गए हैं। ट्रेवल अलाउंस भी हमारा नहीं दिया जा रहा है। तीसरा हमारा है पॉइंट स्थानांतरण, जो हमारे साथी दूर 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 दराज से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, स्थानांतरण चालू हो जाने से अपने नज़दीक के ब्लॉकों में, अपने नज़दीक के आसपास के जिलों में पहुँच सकते हैं। ये कर करके उनको ये फ़ायदा होगा कि कम से कम जो हमारा मानदेय मिल रहा है उस मानदेय में उनका गुजारा हो सकता है। मैं रवि प्रसाद तिवारी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत हूँ। हम सभी ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूर्व में फरवरी में भी ये धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था, बहिष्कार किया था, धरना प्रदर्शन नहीं कहेंगे इसे, हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसमें हम किसी तरह का इस तरह का धरना नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई क्षति पहुंचे। हम अपनी मांगों को लेके ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्व में भी हम ये कार्य बहिष्कार कर चुके हैं, जिसमें हमें आश्वासन हमारे ACS सर द्वारा दिया गया था, जिसकी हम लोगों के पास बाइट भी है, वीडियो की बाइट भी है, उसमें उन्होंने हमारे समस्त मांगे जो हम अभी मांग रहे हैं वो समस्त मांगे उस समय भी थी और उन्होंने स्वीकार किया था और ये बोला था कि ये चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव का समय जैसे ही खत्म हो जाए। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में एक युवक की उसके ही तीन साथियों ने हिडन नदी में डुबोकर हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपियों ने उसकी बाइक को नदी में बहा दिया। वहीं पुलिस ने जांच के बाद इस मामले का खुलासा किया, साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर मृतक की बाइक बरामद कर ली गई है। फिलहाल मृतक का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस गोताखोरों और NDRF की टीम की मदद से मृतक के शव को तलाशने का प्रयास कर रही है। मृतक की वाइफ टीला मोड़ थाने पे आती हैं और ये बताती हैं कि उनके पति एक दिन पूर्व यानी 10 तारीख को काम पे गए थे और वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल इस बात पे उनकी गुमशुदगी दर्ज की जाती है उनके पति की और पुलिस इस चीज़ की जांच में जुट जाती है, उनको खोजने में जुट जाती है। जब मौके पर जाके पड़ताल की जाती है तो पाया जाता है कि इनके साथ तीन व्यक्ति जो इनके साथ खादर में चिनाई का काम कर रहे थे, जहाँ पे काम चल रहा था, उनके नाम क्रमशः शाहरुख, सलमान और शहजाद थे। जब इनसे पूछताछ की गई, इनको थाने पर ले आके इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि हाँ, ये लोग साथ में काम करते थे और जहाँ पे दोपहर के काम के बाद ये लोग खाना खाने गए, उसी से साइड से ही 100 मीटर दूर नदी बहती है जहाँ पे ये लोग खाना खाने जाते थे। इन्होंने बताया कि वहाँ बैठ के खाना खाने के बाद इन लोगों ने वहाँ पे स्नान करने का मन बनाया और स्नान करते करते विजय कुमार डूब गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे संवाददाता प्रवीण का। प्रवीण, युवक की उसके ही तीन साथियों द्वारा नदी में डुबोकर हत्या कर दी गई, क्या वजह है हत्या करने की, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दूं, ये जो युवक हैं जो टीला मोड़ में जिस तरह से काम करते हैं, मजदूर हैं और मजदूर अपना काम कर रहे थे। काम करने के समय ये लोग, खाना खाने का समय इनका एक निर्धारित रहता था, उस समय पर ये लोग जाके एक नदी है वहां पर, उस जगह पर जाके ये लोग खाना खाते थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने गर्मी का थोड़ा सा वो था तो इसलिए वहां पर जाके उन्होंने नहाने का बनाया मूड, और जैसे ही ये लोग नहाने के लिए वहां पर उतरे तो जो व्यक्ति जिसको डूबने से मौत हुई है, जिस तरह से इन पर शक जताया जा रहा है कि उन व्यक्तियों द्वारा मारा गया, तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो तैर नहीं पाता था और वो उसी पानी में डूबने के कारण वो आगे काफी, क्योंकि बहाव काफी तेज था तो आगे की तरफ निकल गया। तो कहीं ना कहीं आपका पूरी टीम जो है, NDRF की टीम है, गोताखोर है, उनको लगाया गया है, उनको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बहाव बहुत तेज है तो अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो तीन लोग उनके साथ काम करते थे, उस व्यक्ति के साथ, उन लोगों को गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि उनसे पूछताछ भी की जा रही है तो उन्होंने पूछताछ में कबूला भी है कि हम लोग इस तरह से वहां पर खाना खाने जाया करते थे और कहीं ना कहीं जब नहाने के लिए वो लोग उस नदी में उतरते हैं, उसमें डूब जाने के कारण वो लोग आनंद फान में वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको डर सताता है कि कैसा, कि कोई इल्जाम उनके ऊपर ना लग जाए इस मामले को लेकर। जी, धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। फरुखाबाद जिले की फैमिली कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के बीच सुलह कराने के लिए अदालत पहुंचे रिश्तेदारों ने न्यायालय में ही पति के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि युवक ने सरकारी शिक्षक बनने के बाद पत्नी और विकलांग बच्ची को छोड़ दिया और दूसरी शादी करने जा रहा था। वहीं इस वीडियो में पति पत्नी की मारपीट साफ दिख रही है।
अलीगढ़ में योगी सरकार की ओर से हाल ही में मदरसों की जांच कराने के लिए आदेश दिए गए थे, जिसके बाद प्रदेश के हर जिले में संचालित मदरसों की गहनता से जांच होना शुरू हो चुकी है। जांच अधिकारियों के मुताबिक मदरसों को हो रही फंडिंग का रिकॉर्ड न मिलने की जानकारियां सामने आई है। इन मामले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने खुलकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसे ईद पर कटने वाले बकरों की खाल और ढाल % जकात से चल रहे हैं। जैसे कि सरकार ने कहा है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, हम करा रहे हैं, उसके अंदर क्या कमी है हम उसकी पूर्ति करेंगे। अगर मदरसों की पूर्ति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा काम क्या होता है, किसी सरकार में नहीं हुआ। और जांच के बाद में अगर बिल्डिंग चलता है तो फिर नियत सामने सामने आ जाएगी। विधायक जी, एक चीज़ भी निकल के आई, जैसे उन मदरसों को फंडिंग होती है, हाँ, लेकिन मदरसों के पास इस चीज़ के कोई सबूत नहीं, कितनी फंडिंग कहाँ से आई, कैसे आई, कैसे। मैं बताऊँ आपको, बकराईद होती है, कुर्बानी होती है, उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।